ये देख सकते हैं व्यूवर्स, मैंने एक चम्मच इसमें साबुत धनिया लिया है, ज़ीरा लिया है, लाल साबुत मिर्चें ली हैं और मैं इसको ड्राई रोस्ट करूँगी। साबुत धनिया वगैरह ये भुना था मैंने, मैं ये तो व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले की बहुत ज़बरदस्त सी खट्टी मीठी सी चाट। तो जिसके लिए मैंने आधा किलो छोले ले लिए हैं, उसको मैंने रात भर भिगोकर बेकिंग सोडा डालकर और सुबह मैंने इसको बॉईल कर लिया था। देखिए बॉईल हो गए हैं ये, नमक डालकर मैंने इसको बॉईल कर लिया था। ये मैंने आलू लिए हैं, ये भी मैंने बॉईल कर लिया है, सही है। और ये मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाई है, इसकी रेसिपी अगर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको दूँगी, ठीक है। ये मैंने पापड़ी ली है कड़क, ये मैंने ड्राई मसाले लिए हैं, ये मैंने मसाला भूना है अभी आपको, उसकी भी रेसिपी मैंने दी है आपको। साबुत धनिया, ज़ीरा और लाल साबुत मिर्चों को मैंने लेकर और उसको रोस्ट कर और मैंने उसको कूट लिया है। नमक लिया है मैंने, ज़ीरा लिया है मैंने भुना हुआ पिसा हुआ, ये मैंने चाट मसाला लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर प्याज ली है, ये मैंने प्याज ली है एक अदद, इसको मैंने चॉप कर लिया है। ये मैंने टमाटर लिया है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये मैंने हरा धनिया लिया है, 3 से 4 चम्मच होंगे ये। ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो चलिए इन सबको स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए व्यूवर्स, मैंने जो ये प्याज कट करी थी ये मैं डाल दूँगी उसमें, थोड़ी सी मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, ठीक है, जो मैं ऊपर से डालूँगी। और ये मैंने टमाटर लिए थे, इसको भी मैं हाफ डाल दूँगी, हाफ डाल दूंगी मैं ये, ठीक है। ये मैंने हरी मिर्चें ली थी, ये मैं सारी इसमें शामिल कर दूंगी। ये मैंने हरा धनिया लिया था, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ, ठीक है। हाफ चीज़ें मैंने रोक ली हैं, वो मैं बाद में डालूंगी, ठीक है। ये मैंने आलू लिए थे जिसको मैंने बॉईल कर लिया था, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। व्यूवर्स देख सकते हैं ये जो मसाले मैंने लिए, व्यूवर्स ये जो मैंने मसाले लिए थे वो सारे मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ठीक है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से। ये बहुत मज़ेदार चाट बनती है, आप लोग इसको ज़रूर घर में ट्राई करिएगा, बच्चे बड़े इसको तो हर कोई शौक से खाते हैं, खट्टी मीठी चाट है ये। व्यूवर्स ये मिक्स हो चुका है, अब मैंने जो इमली की चटनी बताई थी आपको खट्टी मीठी सी, वो मैं इसमें शामिल करूंगी, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, मसाला भुना हुआ, आप लोग कुछ भी अपने जब टेस्ट करेंगे ना उसके हिसाब से आप लोग कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ाना कम ये आपके हाथ में होता है कि आपके कितने छोले लिए हैं आपने, ठीक है। ये आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं चखने के बाद। ये देखिए व्यूवर्स कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है ये, चलिए इसकी फाइनल लुक आपको बाद में दिखाते हैं, डिश आउट करके दिखाती हूँ मैं इसकी। वैसी पापड़ी जो मैंने ली थी वो भी मैं इसके ऊपर क्रश कर दूंगी। सब मैं इसको टेस्ट करके आपको बताऊंगी कि कैसा ज़बरदस्त सी बनी है हमारी चाट, सही है। चलिए अब मैं इसको खाऊंगी।
ज़बरदस्त, बहुत मज़े की बनी है वेवर्स, ये बहुत मज़े की बनी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनी है ये। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।